अमृतसर विखे दरबार साहब के नाल बनी गुरु रामदास सराह का सिख भाईचारे के रोस पाया जा रहा है, क्योंकि एस जी पी सी के वलों ये फैसला लिया गया है कि इस इमारत का नवीनीकरण करवाया जाएगा, पर सिख भाईचारे का कहना है कि इस इमारत के नाल उन्हां दीआं काफ़ी भावनावां जुड़िया ने, तो इस इमारत का नवीनीकरण करवाउण दे नाल उन्हां नूं काफ़ी ठेस पहुँच रही है, जिसका उन्हां वलों विरोध जताया जा रहा है। उत्थे कई संगतां का कहना है कि दूर दुराडे आए लोगों को इस इमारत के नवीनीकरण होने नाल काफ़ी सहूलतां मिलणगियां, पर सिख भाईचारे के कई लोगों का कहना है कि इस नवीनीकरण होने के नाल उन्हां दीआं भावनावां नूं काफ़ी ठेस पहुँच रही है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों समय समय सिर संगतां दी आमद जिहड़ी है वधदी जा रही है, उन्होंने वेखते हुए सतखंड श्री हरिमंदर साहब अते परिक्रमा इस तो नाल नाल जिहड़े रिहायशी इलाके ने उन्हां दे विच वाधा किया जाता है, उन्हां दे विच बदलाव किए जाते हैं। इस चीज़ के मुताबिक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों 1930 दे विच जिहड़ी होंद चाई गुरु रामदास सराह जिहड़ी के श्री हरिमंदर साहब के बिल्कुल सामने स्थित है उस दे विच बदलाव करन दी तजवीज़ रखी है। इस नूं इस सराह जिहड़ी तुसी देख रहे हो इस वेले इस दे विच 230 कमरे ने, 228 कमरे ने, मैं दसना चाहवांगा कि 105 कमरे ने उन्हां नूं वरतों च लिआंदा जांदा है, जबकि बाकी दे 123 कमरे जिहड़े के जर्जर हालात होण करके इन्हां नूं नहीं वरतिया जांदा, उस दे विच किसे नूं नहीं ठहराया जांदा। उही वी नहीं, इस दे विच 18 हॉल ने जिदे विच के यात्री समूह दे विच आंदे ने और इस जगह दे उत्ते ठहरदे ने। 18 हॉल होण दे बावजूद इस अस्थान दे विच सिर्फ 3 हॉल वरतों दे विच लिआंदे जांदे ने, जबकि 15 जिहड़े हॉल ने उह जर्जर हालात दे विच होण करके उन्हां नूं समें सिर नहीं उन्हां नूं वरतों च नहीं लिआंदा जांदा। 90 साल पुरानी इस सराह दे विच इस वेले हालात ने कि इस जगह ते जिहड़ी हालत है तुसीं देख सकदे हो कि संगतां जिहड़ियां ने सराह दीआं परिक्रमा दे विच बैठी हुई ने। ज़्यादातर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जिहड़ा समान है कमरियां दे अंदर सीगा उन्हां नूं भी बाहर रख्या होया है, और इस नूं नवीनीकरण करन दा फैसला श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों लिया गया है कि इस नूं दोबारा इसे तरीके नाल नवीनकरण किया जाए, इस दे विच जिहड़े कमरियां दी गिनती वधाई जाए तां जो संगतां जिहड़ियां अजोके समें च आ रहियां ने उन्हां दे सहूलत लई उन्हां दी सुख सुविधा लई उन्हां नूं इसदा फायदा होवे। पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे इस फैसले दा विरोध हो रहा है, जिहड़ियां जथेबंदियां ने वख-वख जथेबंदियां ने उह इस इस सराह नूं ढाउण दे इस नूं नवीनीकरण दे उत्ते विरोध जता रहियां ने। उन्हां दा कहना है कि भी इह जिहड़ी इतिहासिक सराह है इस नूं नहीं बदलिया जाणा चाहीदा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इसदा जिहड़ा नवीनीकरण करन जा रही है उस दे उच्च हुण श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो हजे तजवीज़ है, इस नूं मता कोई पास नहीं किया गया, हजे उन्होंने वालों यह फैसला नहीं लिया गया कि इस नूं बदलिया जाएगा या नहीं बदलिया जाएगा, उसकी तजवीज़ के उत्ते ही जथेबंदियों वालों इतराज़ जताया गया। सब तो वड्डी इस सराह दे विच अजोके समय जिहड़े वेखण नूं मिलदी है कि इस सराह दे विच दूर दुराडे तो आए लोग ठहरदे जरूर ने, पर इत्थे जिहड़ी सुविधा है बाथरूम कमरियां दे अंदर नहीं हैं, बाथरूम लिए उन्होंने एक कॉमन बाथरूम का इस्तेमाल ही करना पैंदा है। हर एक 3 मंजिला इमारत दे विच हर एक मंजिल दे विच बाथरूम है, जिस दे करके संगतां नूं थोड़ी जी परेशानी हुंदी है, क्योंकि अज दा समय अज दा युग जिहड़ा आधुनिक युग है और लोगों नूं अटैच बाथरूम की सुविधा जिहड़ी है वह चाहीदी है, पर वो इस सराह दे विच नहीं मिलती है। हुण इस मामले दे उत्ते सारी जानकारी इकट्ठी करन लई दैनिक सवेरा दी टीम अज श्री गुरु रामदास सराह दे विच आई है कि लोगों मुताबिक इस सराह दे विच जिहड़ा नवीनीकरण करना है वह अजोके समय की लोड़ है, कि उन्हां मुताबिक चलना चाहिए, क्यों कि यह इतिहासिक है, इस श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को एज इट इज़ रखना चाहिए है। इस बारे गल कर रहे हैं संगतों के नाल। गरीब संगत इशनान भी करती है, बजुर्ग आके इशनान करते हैं, किन्नी पुरानी बनी है गुरमुख सिंह बाबा मां पटियाले वाले ने बनाई हुई मां, किन्ने बजुर्ग किन्ने गरीब आके इतने आराम करते पुराने, जहाँ तो पहला उन्होंने कोई बना के दो गरीबा फिर आके तुम ढालो, ढाल लगे 2 साल लग जाते, देखो जी 2 साल हो गए तो चप्पल रखने वास्ते जोड़ा घर नहीं बना सकते सरकार है, आज देखो चप्पल रोज गुआच दी, कोई करो जो करना चाहते तो करो, जो करना तो करते नहीं, रोज बच्चे लोगों के पैर सड़ते हैं, नहीं ढाना चाहिए जी, नहीं करना चाहिए जी, पहला बना के दवा साढ़े को, देखो जी बाबे टाल साड़ी सरहान जगह पई अकालिया की कमेटी की, जाके देखो बाबे टाल के नाल पई कि नहीं साड़ी जगह, इधर बसंत सिंह गुरुद्वारे नाल कि जगह साढ़े पे, पहला कमेटी वो बना लवे ना, क्यों नहीं बनाती, बना ना क्यों नहीं बनाती, हाँ जगह पईया पहला हूँ अगले बंदे जो आम गरीब बंदा उन्होंने कह दा हाल हल पिया थोड़ा उत्थे जी, ये तो VIP बंदे फोन करा तो थोड़ा कमरा मिल जाएगा, नहीं ना जी मेन गल तो यह है जी कमरा अपना नहीं मिलता अरे
ना पुरातन ठीक है जी। किन्ने साल पहले आए थे जी उरे लंगर हाल बनना शुरू होता, हाल तक इन्हें लंगर हाल नहीं बने है जी, उरे जोड़े घर है दिखना ही बंद हो गया जी। तक सहूलत ही नहीं इतने कोई, तो बाहरों संगत आन के कितने रहूगी की करूगी। ठीक है ये हम किसी भी इतने लम्मे नहीं पैन दें, सारे भजाई जान डे पक्के पुखे बंद कर देंगे, ये नहीं चाहिए काम, क्योंकि संगत बाहरों आँदी आ सारे एको जे होंगे नहीं है, क्या पाए पंजों गलों एको जी है नहीं, ये जरूरी चाहिए वा जिदा तुम आने सराह भावें 90 साल पुरानी है भावें कुछ भी आ, जब तक जोड़ा आने वाला यूथ आ जिस हिसाब न चल रहा काम इस हिसाब न चाहिए जरूरी है। तो पुरानी जोड़ी बिल्डिंग बहुत वधिया बनी है, नहीं बननी चाहिए इतिहासक बनी इतिहासक ही रहन देना चाहिए, ये नहीं भी जिहड़ी चीज आई उन्हें ढा देना आपां, जे संगत दा वा पैसा किसे चंगे काम ते लाओ। देखो जी पुरानी विरासत जी संभाली हुई है तो असं नहीं चाहते कि नवी सारी की जाए, पुरानी नाल ही सहमत है। ठीक है होर भी सराहां बन रही, उन्होंने अटैच बाथरूम बन रहे हैं, जो पुरानी विरासत अपनी सामभी हुई है तो यादगारी आने वाले बच्चों पीढ़ियों की दसागे साड़ी पुरानी विरासत बारे कुछ नहीं दस सकते। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखां दी सब तो वड्डी सनमौ जथेबंदी आ, इहदा फैसला जिहड़ा आ उह सोच समझ के लिया जांदा आ। बीबी जगीर कौर जी जो इस वेले प्रधान ने जो ये फैसला लिया ना बहुत सोच समझ के लिया होगा। दूजी बेनती है भी अज अं देखते जो इतने आने कमर की बहुत मुश्किल आ, असी बाहर स्टेटा जाने उत्थे एक ही लांभा मिलता गया जी कमरा नहीं मिला जी, सानू कमरा नहीं मिला जी, सानू कमरा नहीं मिला जी। जे कमरे बन गए तो संगतू दिते जाएंगे, जे कमरे बन गए नहीं तो संगतू कितने दिते जाएंगे, लामा कितना दूर होगा। जे हम एक बने आप कहने कमरे बन दूजे बने कहते ना बन तो फैसला ही होया, आखिर तक फैसला करना पवेगा। जे कमरे बन गए तो संगतू दिते जाएंगे। दूजी बेनती है कि यदि सराह आ गुरु रामदास महाराज के नाते बनी हुई बहुत पुरानी सराह है, बजुर्गों ने बनाई है बहुत बहुत ही जिन मजबूत कहते अज भी मजबूत आ, पर अगली मुश्किल है भी रही कोई नहीं, हूँ ढांचा सारा खड़ा क्योंकि शाम को आओ जलों कि कहने गुरु रामदास सराह चल जाओ, कहते नहीं अभी बाहर सड़क से सौ जाने। गुरु रामदास की सराह के कमरे सौन के लोग बाहर सौना बेहतर समझते, हुण तुहाडे घर कोई चीज़ है वरतों जाऊँगी नहीं रखी करनू तो नवीनीकरण कर लो। मैं कहना इस सराह च कोई बंदा नहीं रहिंदा, सिर्फ अपने इन्होंने पुराना समान रखे हुंदा कुआड़ समान रखे हुंदा, जिहदा नवीनीकरण हो जाए सेंते कर्म कमरे काम जा जाण तो कोई ना कोई तो लांभा घटना चाहिए। मैं तो इस गल दे हक जा भी सराह सोहनी बननी चाहिए है, जितने वेखो लोग तुरदे घरों तो मगरों पहला जी सानू सिफारशा पाउंदे आ ओ जी ए सी रूम चाहिए जी अटैच बाथरूम होवे जी, हूँ ना तो इस तरह से अटैच बाथरूम ही ना इतने कोई एसी आ ना इतने कोई कूलर कौन रवे फिर ये करके, जे कोई जिद करता पुरानी आ एक गुरुआ के टाइम की थोड़ी है ना, इतने एडा वा कोई साड़ी इतिहासिक जगह ही आ जो गुरुआ के टाइम तो हो भी ये ना छेड़ी जाए ना 84 इतने एडा वा कोई साडा सिंह शहीद होया भी जी उतों सामभ के रख ली जाए। हाँ जी दूजी बेनती है कि हाँ जे ये केस चलता सरकार का कोई केस साड़ी इमारत चलते श्रोमणी कमेटी के जब केस चलता हो मेरी बेनती है भी जिनी देर केस मुकना जाए उन्न चर सामभ लेना चाहिए, केस मुकू तो बाद फिर नवा कर लेना चाहिए, पर जब कोई केस नहीं चलता बिल्कुल फ्री आ तो फिर कमरे बन जाने चाहिए, संगत की सहूलत आ संगत की आवाज़ आ तो संगत सुननी चाहिए। सू संगतां दी लगातार वधदी आमद नूं वेखदे हुए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों तजवीज़ रखी गई है श्री गुरु रामदास सराह जिहड़ी दरबार साहब के बिल्कुल सामने आ उसका नवीनीकरण किया जाए, पर संगतां इस दे प्रति संगतां दा कहना है कि इस विरासत नूं संभाल के रखना चाहिए है, जे बनाना है तो श्रोमणी कमेटी कोल होर जगह ने उस दे उत्ते सराह उसार सकती है, पर कुछ संगतां दा कहना है कि इसका नवीनीकरण अजोके समय की जरूरत है।
कैमरा पर्सन विपन के साथ ज्योति बहल दैनिक सवेरा टीवी अमृतसर। अलीशा बेगम एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। रूहानी ते काली शक्तियां दी मालकन दुनिया का सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है। मेरे कीते नू कोई कट नहीं सकता। काला इल्म करना आते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं। परेशानी जिमें लव मैरिज पति पत्नी च झगड़ा सौतन दुश्मन तो छुटकारा तलाक केस बुरे सपने विदेश यात्रा बुरी संगत ज नशा छुड़ाना बीमारी च दवा ना लगना वशीकरण एक सच्चाई है। वशीकरण करवाओ मन चाह प्यार पाओ। की तुहाडी किस्मत च लॉटरी का योग है ज नहीं सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ भावे 649 होवे ज लोटो मैक्स 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी का हल घर बैठे। अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी। जा कहने तो बाहर है तुरंत संपर्क करो। तो हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम।